हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए हलवाई जैसी लच्छा रबड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने देखा होगा, जब भी हम हलवाई के यहाँ से रबड़ी लेकर आते हैं, उसमें दूध भी होता है और साथ ही लच्छे भी होते हैं। जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है पर फटा हुआ नहीं होता है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम भी हलवाई जैसी प्योर दूध से परफेक्ट लच्छेदार रबड़ी बनाते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हमने ली है एक कढ़ाई। इसमें हम 1.5 चम्मच पानी डालेंगे। अब डालेंगे हम इसमें दूध। दूध हमने 1 लीटर लिया है, यह हमारा गाय का दूध है। आप चाहे तो भैंस के दूध से भी बना सकते हैं। दूध में हम उबाल आने देंगे। ये देखिए, हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसे चला देंगे और इसके ऊपर जो मलाई आ गई है उसे भी दूध में मिक्स कर देंगे। इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर दूध को गाढ़ा कर लेंगे। दूध उबलते हुए 10-12 मिनट हो चुके हैं और देखिए गाइस, हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। दूध उबलते समय साइड में जो मलाई लग जाती है, इसे हम खुरच कर दूध में मिक्स कर देते हैं। इससे हमारी रबड़ी में अच्छे लच्छे बन जाते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे दूध में लच्छे बनने लगे हैं। दूध उबलते उबलते काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे चीनी। ये हमने 1 बड़ी चम्मच चीनी ली है। इसे हम दूध में डाल देंगे और दूध को थोड़ी देर और उबालेंगे, जिससे हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा और हो जाए। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। दूध में मलाई काफ़ी मोटी आ रही है, इसका मतलब हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढककर थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद देखना गाइस, इसमें कितने सारे लच्छे बन जाएंगे। यही ट्रिक है लच्छे बनने की, ठंडा होने के बाद दिखाऊंगी। चलिए तो ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए गाइस, हमारी रबड़ी में साइडों से कितनी अच्छी मलाई जम रही है। इस मलाई को हम हटा लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ इसमें कितने अच्छे लच्छे बने हैं, साथ में दूध भी है। ये देखिए गाइस, लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार है। कितने अच्छे लच्छे बने हैं, साथ में दूध भी है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे इलायची पाउडर। ये हमने 2 पिंच इलायची पाउडर लिया है। अब हम इसे रबड़ी में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमारी रबड़ी खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। वैसे तो हमारी रबड़ी पूरी तरह से तैयार है, आप चाहे तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं इसे पिस्ते से गार्निश करूंगी। चलिए तो पहले हम इसे गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के बाद हमारी रबड़ी कितनी सुंदर लग रही है। बन गई ना मार्केट जैसी रबड़ी, बिल्कुल प्योर दूध से। हमने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है। देखिए, इसमें लच्छे भी कितने अच्छे बने हैं, साथ ही दूध भी है। कोई देखकर कह नहीं सकता ये रबड़ी मार्केट की नहीं है। अगर आपको मेरी ये लच्छा रबड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताना ना भूलें कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।